ओला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। देखो इसका 52वीं लो 38 पैसे है और 52वीं हाई 12.88 रुपये है और यहाँ पर 1.77 रुपये पर इस स्टॉक ने क्लोजिंग दे रखी है। अब इस स्टॉक में हो क्या रहा है, देखो दोस्तों काफ़ी टाइम से कंपनी पूरी तरह से है गिर गई है और यहाँ पे साइड बेज जोन हो रही है, मतलब एक ही लेवल में है कंपनी ट्रेड कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, वो देख लेते थोड़ी डिटेल। यहाँ पर सपोर्ट को रहने देती है, जनता भी बनी हुई है। प्रमोटर देख लेते हैं पहले, तो देखो प्रमोटर के पास में 12% की हिस्सेदारी है और ये देखो सेबी की ASM स्टेज 1 में भी है, मतलब सेबी भी चेक करिए कि कहीं इंडियन इंफोटेक में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा ना। काफ़ी टाइम से कंपनी बहुत ज़्यादा क्रेश हो गई है, नीचे ऊपर ही नहीं जा रहे, तो सेबी की ASM लिस्ट में है तो सेबी भी इसको चेक करिए। अगर फंडामेंटल देखिए तो 178 करोड़ की कंपनी है जिसका PE 292 है, ROC 0.34 है, ROE 0.27 है, डेप्ट 30 लाख का, बट केस पड़ा कंपनी में 129 करोड़ रुपये। प्लीज नहीं है, प्रमोटर के पास में 12% है, DI वाले नहीं है, FI वाले नहीं है, वॉल्यूम भी हो रहा है, अर्निंग पर शेयर 1 पैसा है, करंट एसेड है 3-4 करोड़ का, 3.5 करोड़ का एसेड है, जबकि लाइब्रेरी 77 लाख की है। क्वार्टर सेल्स तो 1646% हो रही है, सेल्स ग्रोथ माइनस में, RSI इसका 74 है, टोटल एसेड 231 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 3.5 करोड़ का कर रखा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है माइनस में है, बुक वैल्यू के नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है, 2.29 रुपये की बुक वैल्यू है, करंट प्राइस 1.77 रुपये है और इस साइड पर 52वीं लो इसका 1.16 रुपये और 52वीं हाई 3.64 रुपये हो रहा है। तो कंपनी देखो डेट फ्री है, प्लीज फ्री है, प्रमोटर के पास में माल भी है, कंपनी में कैश और रिजर्व बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना रिजर्व बहुत ज़्यादा कंपनी में, और एसेट भी पड़ा है, बुक वैल्यू के नीचे आपको स्टॉक मिल रहा है पहली बात। दूसरी बात, 52वीं लो के आसपास आपको कंपनियां मिल रही है। अगर इंडिकेटर देखें ना इस स्टॉक की, तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों वीकनेस 6 है, स्टॉक 12 है, अपॉर्चुनिटी 2 है, टेरिस 0 है, कुछ नहीं है टेरिस में, पॉजिटिव 11 है, नेगेटिव भी 11 है इस स्टॉक में। यहाँ पर देख लेते हैं पॉजिटिव इंडिकेटर हैं जो एक्टिवेट हो गए हैं दोस्तों, और देखो शेर है बुलिश 14 बेरिश 2, मतलब शेर है बुलिश रन में शुरू हो गया है, बुलिश रन शुरू हो गया, मतलब अपर सर्किट की रिलीज में अब देखने को मिल जाएगी। हालांकि इस कंपनी में 4 प्रमोटर है और 4 पब्लिक की बड़ी हस्ती है, मतलब प्रमोटर भी है और पब्लिक भी है, तो अनुमान लगा सकते हैं कंपनी देखो मार्च के बाद में कोई भी मंगल ग्रह का आतंक अपन को देखने को नहीं मिला है। हालांकि 23 जून को माल बेचा ही गया है प्रमोटर की तरफ से, धनवर्षा की तरफ से माल बेचा गया, अभी इसके पास में 5.55% की हिस्सेदारी है ये धनवर्षा के बाद में, और यहाँ पर 5.80 है और यहाँ पर अभी इसकी 5.55 कर लिया है क्योंकि माल और बेचती है। देखो कंपनी ऑलरेडी गिर गई है, सभी इंडिकेटर भी तूफानी तेजी का संकेत दे दिया है, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले राइट इशू का ऐलान हुआ था लेकिन कंपनी की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं है। तो अभी कंपनी की तरफ से कोई अपडेट आता है या प्रमोटर की एंट्री होती है, आप ऑपरेटर पंपडम करते हैं तो अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर गई है, 52वीं लो पर आ गई है, तो नीचे तो देखो जाने के लिए कोई जगह बची नहीं है, तो जाएगी ऊपर ही, तो आप होल्ड कर सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम का नजरिया रखो, अपर सर्किट के लिए अपन को देखने को मिल जाएगा। वीडियो ओनली नॉलेज के लिए, ओनली स्टडी बाय सेल के लिए नहीं है, बट थोड़ा लॉन्ग टाइम का नजरिया रखो। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों, थैंक।